हेलो पीपल, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आज 9 सितंबर है, फोर्थ को मैं आया था, रात में पहुंचा था यहाँ पे, और उसके बाद से मैं एक दिन थोड़ा काम करता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, और एक दिन कहीं बाहर निकल जाता हूँ शाम को, और दिन में थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाता हूँ मैं 1.5-2 किलोमीटर यहाँ पे, टू बिल्ड स्टैमिना, बिकॉज आगे आई हैव टू डू ट्रैक्स। एंड अभी मैंने रूम से डॉम में शिफ्ट कर लिया, आई विल शो यू दैट। सो दिस इज द डॉम, यहाँ पे टोटल 8 बेड्स हैं, 4 इधर आगे, 4 पीछे, देयर आर 2 वॉशरूम्स, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो यहाँ के जो 4 लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं, पीछे वाले 4 लोग ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अभी और कोई नहीं है, ये मेरा सारा सामान फैला पड़ा है यहाँ पे। सो बेसिकली जब आप यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट यू हैव टू स्टे इन अ रूम आइसोलेटेड क्वारंटीन फॉर लाइक 2 डेज, 2 दिन का रूल है अभी। और डॉम्स में दे नॉट लेटिंग एवरीवन लिव, एज इन पूरा कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इफ देर आर 8 बेड्स, दे ओनली यूटिलाइजिंग 4, और जिसमें से अभी एक्चुअली इस डॉम में सिर्फ 3 लोग हैं। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे साथ में एक बेड पे, नेक्स्ट वाले बेड पे एक बंदा और होना चाहिए, but it's empty, so I'm using the entire space. So let me give you a tour of the entire property here. तो यहाँ से start करते हैं। वो वहाँ से एक जो road आ रहा है, and this trail, this is the entrance, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, और ये रास्ता है, there's a room here, this is the dorm, then there's a co-working space here as well. तो यहाँ पे सुबह सुबह इस साइड से धूप काफ़ी अच्छी आती है, तो यहाँ पे सब बैठते हैं, सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं। This is the co-working space. This is the kitchen. ये है लैला, लैला से हेलो। Most of the people who are actually traveling here, they're working. There's nobody who's here which is, just traveling for fun. Except for me, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ यार, एडिट कर रहा हूँ। गोइंग आउट राइट नाउ, पहले लंच करूँगा, मुझे भूख लग रही है, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ एक मॉनेस्ट्री। तो आई थिंक मॉनेस्ट्री वो बंद होगी, बट स्टिल द लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो मोस्ट ऑफ़ द कैफेज आर क्लोज राइट नाउ, और मैं अभी आया हूँ एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे, इट्स कॉल्ड आवास कैफे। नाइस प्लेस इज़ इट, बस जब तक मैं खाना खा रहा हूँ बारिश ना हो। एंड दीज आर वुडन लॉग्स, आई होप देर वॉज नो लॉगिंग डन, एंड दीज वर टेकन आउट ऑफ लाइक डेड ट्रीज। थैंक यू। सो दे हैव गिवन दिस समथिंग वेलकम स्टार्टर सॉस, मुझे पता नहीं क्या है ये, दिस इज इट्स स्मेलिंग नाइस, कैसे खाते हैं ये। तो खाना आ गया है एंड इट लुक्स डिलिशियस, मोर सो विद दिस व्यू। सेट ऑन मी देयर आई नेवर मेक इट होम, ही सेड डोंट गो डाउनटाउन टुनाइट। ओके, दिस इज सुपर डिलिशियस। बाहर आके पहाड़ों में मुझे अगर ऐसा खाना खाने को मिल जाए, ऑल्दो यहाँ पे जितने भी कैफेज हैं सब पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, बट साउथ इंडियन सब जगह आपको अच्छा नहीं मिलता। It's very rare to find good South Indian food in the hills.
Keep your money in your pocket and in the razor in your shoe. बहुत बढ़िया, अब निकलते हैं आगे. सो एम गोइंग टू दिस मोनेस्ट्री कॉल शिराबलिंग, और ये उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैं जब गुनेर वाटरफॉल जा रहा था. यहाँ से घूम के ऑल्टरनेट रूट लेके बहुत खाली है यहाँ पे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड ज़्यादा लोग हैं नहीं. बहुत सारे कैफ़ेज़ भी यहाँ पे बंद हैं, नॉट श्योर इफ दे क्लोज डाउन परमानेंटली या फिर वो वैसे ही बंद हैं बिकॉज लोग आ नहीं रहे हैं. सो शराबलिंग मोनेस्ट्री इज ऑल्सो क्लोज, वो मुझे पहले पता था, बट आई थॉट यहाँ पे कुछ और पास में होगा और अच्छा व्यू होगा. बट द व्यू इज नाइस बट ऐसे कुछ बहुत खुले में नहीं. आई विल शो यू. तो दिस इज द मोनेस्ट्री. पीछे जो क्लाउड्स आ रहे हैं उसकी वजह से इसका व्यू और अच्छा दिख रहा है. सो नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज थोड़ा सा आगे जाके देखूंगा कुछ ऐसी जगह मुझे मिलेगी तो आई विल फ्लाई द ड्रोन. ऐसे तो नहीं गए, ऊपर से एरियल शॉट ही ले लेते हैं थोड़े से. अब आए हैं तो सो आई स्टॉप्ड एट दिस प्लेस और कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेला हूँ रोड पे. कैन यू हियर द साइलेंस? मतलब यू कांट हियर द साइलेंस बट कैन यू फील द साइलेंस? सो उस साइड यहाँ पे है मोनेस्ट्री यहाँ से, एंड आई फ्लाई द ड्रोन. थोड़ी फट भी रही है मेरी क्योंकि ऐसे पेड़ों के बीच में मैंने कभी हिल्स में ड्रोन फ्लाई नहीं किया, एज इन जितने दिन भी मैं कर रहा हूँ ओपन जगह में. कुछ हो गया, फंस गया, तो एज इन ड्रोन फंस गया, तो देखते हैं फिर क्या होगा. बट इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. Let's do it then. So what I'm gonna do is मैं ड्रोन को यहाँ पर रोड पर एक ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर अगर रिटर्न टू होम हो तो बिल्कुल सीधा आ जाए, देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. फिर से ड्रोन क्रैच कर दिया है और इस बार मेरी गलती की वजह से हुआ है. मोनेस्ट्री के मैंने बहुत सारी शॉट्स ले लिए थे, उसके बाद आई वाज फ्लाइंग इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे मैं ये पेड़ के बीच में से निकाल के एक शॉट ले रहा था और उसके विंग्स पे, सॉरी टहनी पे लगा और यहाँ पे नीचे गिर गया. ऑल्दो यहाँ पे खाई वगैरह नहीं है, आई विल बी एबल टू फाइंड इट ईजिली, बट टूटा फूटा ना हो यार, नुकसान ना हुआ हो बस. आगे की ट्रिप का क्या होगा, लेट्स फाइंड इट. कहाँ गया भाई ऑप्शन? स्टार्ट फ्लैशिंग एंड बीपिंग, इसमें भी नहीं दिख रहा.
फटाफट बीप हो रहा है. कैन यू हियर इट बीपिंग? लुक एट द फंगाई. नो, मशरूम्स हैं ये, सॉरी. कंट्रोलर मैंने यहाँ पे रख दिया फॉर द टाइम बीइंग. ड्रोन मुझे मिल गया है, बट ये थोड़ा सा रास्ता ना यहाँ पे स्लिपरी है. मतलब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? ओहो, उधर से जाना पड़ेगा मुझे. मिट्टी है तो. अरे नहीं नहीं नहीं, यार ये पेड़ के अंदर कुछ होना. काम कर, उसको तो कुछ नहीं हुआ. देखो मैं, ये सही है. सही टाइम पे बच गए भाई. सो पिछले दो दिन से मैं एक ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ. मतलब पहले भी गया था और आज भी गया था. और यहाँ से निकलते हुए मुझे हमेशा एक रिवर, वाटरफॉल, व्हाटएवर यू कॉल इट, गुनेर से जो बहत, नहीं गुनेर वाला नहीं है ये. पिछले व्लॉग में जब मैं गुनेर वाटरफॉल जा रहा था तो रास्ते में एक रिवर आई थी, वही वाली रिवर है. सारे कपूर हो? नहीं, ये है हर्ष, इसका नाम हर्ष है. अच्छा, अच्छा बड़े हुए क्या बनना है? पैरा कमांडो. सबको पैरा कमांडो? नहीं, मेरे को भी नहीं. बताओ. बता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं है. बन पाओगे? जो सोचोगे वो जरूर कर पाओगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. करेंगे, करनी पड़ेगी, बोलने से नहीं होगा सिर्फ. लेकिन मेहनत करोगे तो जो करना है वो करोगे लाइफ में. हाउ डू आई एक्सप्लेन द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ टू अ कपल ऑफ 12 ईयर ओल्ड्स? The battles that we have to fight with almost everyone in order to do what we love. The sacrifices we have to make to chase our dreams. Leaving our loved ones behind. And even after that, is it going to be all worth it? Guess there's only one way to find out. To take that plunge. Because all we got is just